बांग्लादेश है, लेकिन यहाँ पे 1-0 की सर्विस कटोटिया की जानिब से, कारागंज कटोटिया की जानिब से 1-0 की सर्विस काफी बेहतरीन और काफी लंबे कद के खिलाड़ी काफी चुस्त दुरुस्त दिखते हैं और ये बिल्कुल हल्के हल्के कर रहे हैं, बिल्कुल मारना चाह, लेकिन यहाँ पे पहले से बिल्कुल बिल्कुल कोई मौका नहीं और ये लेकिन कंट्रोल से भटक गए और ये सर्विस चेंज कराने में कामयाब शमशेरगंज। 100-200 से बिल्कुल मौका नहीं कमाते, जैसे ही मौका मिलता है बॉल को वह प्रहार करते हैं और काफी लाजवाब खेल दोनों टीमों के बीच, काफी रोमांचक स्थिति में स्टार्टिंग में बिल्कुल मौका नहीं गवाते, हम देखते हैं अभी क्या कर पाते हैं दोनों टीम। इससे पहले जितना भी खेल खेला गया काफी रोमांचक स्थिति में रहा, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल एक तरफा ना हो क्योंकि दर्शक कालीगंज 0-2 की सर्विस कटोटिया की जानिब से, 2-0 की सर्विस, 2-0 की सर्विस बहुत ही लाजवाब, अभी बिल्कुल सुस्त दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से धकेल दिया और यहाँ पे लंबे कद के खिलाड़ी उसको जम करना चाहा लेकिन उन पे जाने दिया दूसरे के पास और ये हल्के हाथों से बिल्कुल ये जम कर गया, लेकिन यहाँ पे कोई और ये बिल्कुल बहुत ही लाजवाब प्रहार एक दूसरे को पार करता हुआ, फिर मौका नहीं और यहाँ पे लाइन से भटक गए और अब बिल्कुल बाउंड्री का बाहर दे मारा, इनका फायदा दूसरे टीमों को मिलता हुआ सर्विस चेंज के रूप में शमशेरगंज। शमशेरगंज काफी लाजवाब खेलते हैं लेकिन धनी मुजाहिद अच्छे सर्विस चेंज कराने में कामयाब, 2-0 की सर्विस कालीगंज कटोटिया की जानिब से, 2-0 की सर्विस और ये लाजवाब एक दूसरे से दबाते हुए बॉल को हल्के हाथों से धकेल दिया, ज्यादा अपना ताकत का प्रदर्शन न करता हुआ बिल्कुल कोई मौका नहीं, शमशेरगंज जो कि बिल्कुल साइड चेंज कराने में कामयाब सर्विस शमशेरगंज के जानिब से, क्या कर पाते हैं अपने टीमों के लिए बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन, काफी अरसे से इंतजार है इन दो टीमों का खेल देखने के लिए, दर्शकगण भी लाखों की संख्या में मौजूद लुत्फ उठाते हुए बिल्कुल शांतिपूर्वक जो कि अपने शिष्टाचार का परिचय देते हुए बहुत ही लाजवाब 1-0 की सर्विस 1-2 की सर्विस कंटिन्यू सर्विस 1-2 की सर्विस और ये भी बिल्कुल चढ़ के बॉल को पर छपका, कोई मौका नहीं और धरती को चुनता हुआ कंटिन्यू सर्विस के रूप में 2-1 की सर्विस और बैक टू बैक बिल्कुल प्रहार करते हुए और ये काफी अच्छा जीतने वाले को नियर जुलमन होटल के पास एनुअल फैशन मैक्स सरिफगंज की जानिब से जीतने वाले को 100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, बहुत ही लाजवाब और टूडल फैशन सरिफगंज के जानिब से जीतने वाले को भी 100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, आप धीरे धीरे अपने पूर्वक ताकत को बरकरार दिखा रहे यहाँ पे और धीरे धीरे पुरस्कार का जब बरसात हो रही है यहाँ पे लेके जाए, देखते हैं कौन क्या पर जीतने वाले को ही मिलेगी। वाह इट्स वंडरफुल, मेरी होदा हेल्थ क्लिनिक की ओर से 500 रुपये का पुरस्कार दिए जाने का फैसला लिया गया, बहुत ही लाजवाब होदा क्लिनिक होदा हेल्थ क्लिनिक के जानिब से जीतने वाले को 500 रुपये नगद पुरस्कार दिए जाएंगे, वाकई है आप धीरे धीरे अपना जोश को दिखा रहे यहाँ पे पुरस्कार से भी पैसा की बरसात पुरस्कार की बरसात में यहाँ पे धीरे धीरे होता हुआ जो जीतेगी और ढेर सारे पुरस्कार दिए जाएगा।
आउट लेता हुआ नई रणनीति अपनाते हुए कि किस तरह से खेल को जीता जाए, क्योंकि जिस तरह से पुरस्कार का नाम सुनते हुए नई नई रणनीति अपनाए जा रहे कि किस तरह से जीता जाए। जीत भी होने के झोले में ढेर सारे जीते हुए रकम भी होने के झोले में, यकीनन आमों का आम गुठलियों का दाम। यकीनन खेलते रहे अपनी कुवत अपनी ताकत को इस मैदान में बिखर, क्योंकि बहुत से दर्शक बिल्कुल आपके जलवा क्या आप कर पाते हैं वो देखने के लिए बिल्कुल यहाँ पे तत्पर है। यकीनन दोनों के बीच काफी मजबूत स्थिति में पहुंचता हुआ व्यक्तिगत एक दूसरे को प्रहार करता हुआ और बिल्कुल हवा में उछल कूद करते हुए लाजवाब गेंदा, लेकिन उनके टीम ने कुछ खास नहीं, खिलाड़ी ने तालमेल में कमी के कारण कंटिन्यू सर्विस कराने में नहीं रोक पाए। शमशेरगंज की जानिब से कटोतिया की जानिब से 3-1 की सर्विस, 3-1 की सर्विस लाजवाब और बहुत ही अस्फाक के जानिब से बिल्कुल चकुन्ने बिल्कुल बाज की मासिक नजर रखते हैं, पैनी नजर रखते हैं खेलों में, उनके आंखों से बचना मुश्किल ही नामुमकिन है। वाओ व्हाट अ वंडरफुल, काफी बेहतरीन जगह यहाँ पे हम